कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में भालुओं का आतंक लगातार जारी है। आए दिन बीच शहर में लोगों को भालू घूमते हुए नजर आते हैं, जिससे सुबह की सैर पर जाने वालों में दहशत है। आज सुबह ही 3 लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों पर हो रहे इन हमलों से वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। इसके बावजूद विभाग जंगली जानवरों को रहवासी इलाकों में आने से नहीं रोक पा रहे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए दिनेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी पूरी? मैं आपको बता दी, वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और आज सुबह ही भालू ने 3 लोगों पर हमला किया है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन ये लापरवाही बहुत दिनों से भालू चले आ रही है और इनका आतंक लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। जी, घायलों की हालत क्या बनी हुई है अभी? अभी उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन जो इस तरह की आए दिन घटना शहर में भालू का हमला हो रहा है और वन विभाग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने बात करने की कोशिश की होगी वन विभाग के अधिकारियों से, उनका क्या कुछ कहना था, आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी वन विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों से बात करके इसमें कोई कारगर कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश।